Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel to another product review video. And the product that which I'm going to talk about today is Genpharm. और Genpharm जो है आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा if you're using social media. And ये वो Genpharm एक ऐसा brand है जो पाकिस्तान का जैसे कि घर में एक favorite बच्चा होता है ना, it is exactly that way. आज तक इसके कोई bad review नहीं सुना मैंने किसी का, ना like हो ही नहीं सकता, because they are so genuine about their products. एंड जो भी इनके प्रोडक्ट में लिखा होता है, मेंशन होता है, दैट इज़ देयर इन इट, विच इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये मैंने पार्सल मंगाया था, ये मेरा आई थिंक 9th या 10th, आई हैव एक्चुअली लॉस्ट द अकाउंट बिकॉज ये मैं 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ रिलीजियसली. और ये मैं तब से यूज़ कर रही हूँ जब Genpharm बिल्कुल न्यूली आया था मार्केट में, एंड इट हैज़ जस्ट फ्यू 100 followers ओनली. बिकॉज यू नो वट, मैं बहुत टाइम से ही ना ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जो कि ड्रग स्टोर से हो और लैब टेस्टेड हो, बजाय इसके कि वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड जैसे लॉरियल है, पॉन्स है, इन पे मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी. बिकॉज आई वांटेड अ ब्रांड विच इज़ जेन्युइनली डेडिकेटेड टू स्किन केयर एंड Genpharm इज एग्जैक्टली अप टू दैट. तो खैर पार्सल ओपन करते हैं, उसमें पहले थैंक यू कार्ड होता है एंड देन इट इज़ मिंडेलिक एसिड. पहले बात कर लेते हैं कि मिंडेलिक एसिड है क्या, फिर आई विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ इट एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सफोलिएंट, ठीक है. एक होता है फिज़िकल और एक होता है केमिकल. फिज़िकल आर दोज जो कि हम स्क्रब्स यूज़ करते हैं, उसमें ग्रैन्यूल्स यूज़ होते हैं टू रिमूव आर डेड स्किन. और दूसरा होता है केमिकल जो कि ये है, ठीक है. तो ये क्या करता है कि केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और इसमें एक परसेंटेज मेंशन होती है, 20% आप देख रहे होंगे इसमें BHA में 20% है, जो कि एक सर्टन लिमिट तक आपकी डेड स्किन रिमूव करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा. फिज़िकल में क्या होता है कि फिज़िकल में आपको अंदाज़ा नहीं होता बिकॉज हमारे स्किन के बैरियर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और हम अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा भी प्रेशर एग्जर्ट कर दें, ज़्यादा एग्जर्ट कर दें, तो दैट कैन हार्म एंड दैट कैन डैमेज आर स्किन बैरियर. सो दैट इज़ वेरी रिस्की एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग स्क्रब ऑन आवर फेस. और बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक और बॉक्स होता है विच इज़ ऑफ ग्रे कलर, जिसके अंदर ये बॉटल क्यूरेटेड है. एंड यार द पैकेजिंग इज़ सो गुड ऑफ Genpharm, द कलर सिलेक्शन इज़ सो ऑन पॉइंट विच इज़ सो डिसेंट एंड विच अट्रैक्ट्स अलॉट. मुझे बहुत पसंद है इसकी पैकेजिंग. मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें. इट इज़ ऑलमोस्ट वाटरी लाइक, बिल्कुल पानी की तरह होता है, बट आप जब इसको स्किन पे लगाते हैं ना अपने फेस पे, तो इट फील्स लाइक यू नो बिट ऑयली, ओके, बट वो ओनली फॉर फ्यू सेकंड बिकॉज वो बहुत ही इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस पे. थोड़ा सा ना ऑयली फील रहता है फेस पे कि जब तक आपको यू नो 1-2 घंटे बाद जाके वो फिर आपको सेटल होता है, जब वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ना स्किन में, तब वो आपको ऑयली फील ख़त्म हो जाती है. बट वो ऐसी नहीं होती जैसे ग्रीसीनेस वाली, नहीं, बिल्कुल लाइट यू नो एक ऑयली सा फील आता है जस्ट बिकॉज वो एसिड की नेचर होती है थोड़ी सी, कि वो जब आप उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो अपना एक ऑयली फील देता है. अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कब करना होता है. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको डे टाइम में तो कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है. बिकॉज इट्स एन एसिड तो इसका एक्सपोजर सन से बहुत ही डैमेजिंग है फॉर योर स्किन. नेवर यूज़ इट इन डे टाइम और ऑलवेज इंक्लूडेड इन योर नाइट टाइम रूटीन. आफ्टर वॉशिंग योर फेस ड्राइड कम्प्लीटली, कोई भी पानी कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, थोड़ा सा भी ड्राइड कम्प्लीटली. और फिर आपने ये एसिड अप्लाई करना है अपने फेस पे, 2-3 ड्रॉप्स अपने पाम में लिए और उसको अपने पूरे फेस पे टैप टैप करके अपने लगाना है, रगड़ना नहीं है, ठीक है. एंड इन मॉर्निंग वॉश योर फेस नॉर्मली विद टैप वाटर और फिर आप फॉलोड बाय यू नो मॉइस्चराइजर एंड सन ब्लॉक. स्पेशली सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगाना है, अदरवाइज इट्स यूजलेस. और बिकॉज आपने रात में एसिड यूज़ किया अपने फेस पे, तो मेक श्योर यू यूज़ सन ब्लॉक इन नेक्स्ट डे. और मैं इधर आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरी पता नहीं कौन सी परचेज है, मुझे याद भी नहीं है, तो ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी थी, तो मैंने आपको सोचा दिखा दूँ कि ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ एंड इट मेक्स योर स्किन सो गुड. और एक न्यू बॉर्न स्किन आपको फील होती है इससे, आपको ना इसके फर्स्ट यूज़ से ही डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा. आपको स्किन एकदम ग्लोई सी फील होगी और आप इसको एज अ स्किन ब्राइटनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. आपकी अब स्किन की कंडीशन इससे बेटर हो जाती है, आपके एक्ने मार्क्स रिमूव होते हैं. आपके अगर एक्टिव एक्ने नहीं है और सिर्फ मार्क्स रह गए हैं, तो यू कैन अप्लाई ऑन इट और आपके मार्क्स विद इन आपके 2-3 यूज़ में ही इससे ख़त्म हो जाना शुरू हो जाएंगे बिकॉज आपकी न्यू स्किन आएगी और डेड स्किन रिमूव हो जाएगी. अब बात कर लेते हैं Genpharm की डर्माइव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की. एंड यार इट्स अ ग्रेट 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 मॉइस्चराइज़र आई हैव एवर यूज्ड और इट्स सो गुड.
मतलब एक जो आइडियल एक जो मॉइस्चराइजर में मैं चीज़ें ढूंढ रही थी ना, इट हैज़ ऑल ऑफ इट्स फ्रॉम सेरामाइड्स टू हाइलोरोनिक एसिड टू SPF एंड वॉट नॉट यार, और प्लस इस सब के बाद इट इज़ नॉन ग्रीसी, मतलब ये सब चीज़ें होने के बाद भी इट्स सो क्रीमी और बहुत लाइट वेट है। प्लस इसमें SPF भी है, बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें SPF है बिकॉज आपको रोज़ाना, आपको अगर आप स्किन केयर करते हैं तो यू मस्ट नो इट कि आपको रोज़ाना कुछ नहीं तो आपको ज़रूर आपको सनब्लॉक लगाना है, और सनब्लॉक लगाते ही ना आपको एक हैवीनेस सी फील होती है ना, जिसकी वजह से हम डेली सनब्लॉक अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वी अवॉइड दैट। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट डजंट लेट यू फील दैट यू हैव अप्लाइड SPF, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है, एंड येट इट हैज़ SPF 20 विच इज़ गुड इनफ इफ़ यू आर स्टेइंग इनडोर्स, एंड बिकॉज इट्स ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर तो ये वाटर बेस्ड है, कंटेनिंग हाइलोरोनिक एसिड विच कीप्स योर स्किन सुपर हाइड्रेटेड ऑल डे लॉन्ग, एंड एज यू नो दैट हाइलोरोनिक एसिड इज़ अ मॉइस्चर लॉकिंग इंग्रेडिएंट इन स्किन केयर। अभी जैसे मैं आपको इसको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ ना, आपकी फेस बिल्कुल ऐसे ही ग्लो करता रहता है ऑल द टाइम, और बेबी सॉफ्ट हो जाती है एकदम, स्किन रिप्लेनिश और बहुत ही रेडियंट पिंकिश सी आपको स्किन फील होती है। बस ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी आपके स्किन के पोर्स जो है क्लॉग नहीं करेगा, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है ऑयली टाइप का जो कि आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक करे अपने। अच्छा, इसके ना दो वेरिएंट है, एक बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है विच इज़ डर्माइव सेंसिटिव मॉइस्चराइजर, अगर तो आपकी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है किसी भी चीज़ से तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और इसका दूसरा है डर्माइव ऑयली विच इज़ फॉर ड्राई स्किन, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जो है विंटर्स में यूज़ करती हूँ बिकॉज उस टाइम पर मेरी स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेनफार्म डर्माइव मॉइस्चराइजर एंड मिंडेलिक एसिड, और आप अगर कोई अफोर्डेबल में अच्छा स्किन केयर ब्रांड देख रहे हैं सो यू कैन काउंट ऑन इट, इट इज़ फॉर यू। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरी MPC हुरमा वाली वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी जाके देखें, उसमें मैंने मल्टी वाइटामिन्स के बारे में हर चीज़ डिटेल में कवर की है। तो मैं आपको एक बार बताना भूल गई कि जेनफार्म के हर पार्सल के साथ आपको एक सैम्पल रिसीव होता है इनके बाकी प्रोडक्ट्स का, और हर बार न्यू आपको प्रोडक्ट आपको ट्राई करने को मिलता है विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे क्या होता है मैंने इनके ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट ट्राई किए हैं थ्रू सैम्पल, और मुझे कोई भी प्रोडक्ट मंगाना होता है ज़रूरत होती है तो मैं कॉन्फिडेंटली मंगा लेती हूँ बिकॉज आई नो कि मैंने ये यूज़ किया हुआ है। तो दिस वॉज इट, आई होप आपको रिव्यू पसंद आया हो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।